दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को 15 अगस्त से पहले ही बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस मॉडल के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। आतंकी की पहचान रिजवान अली के रूप में हुई है। रिजवान दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है। रिजवान के ऊपर एनआईए ने 3 लाख रुपए का इनाम रखा है। रिजवान और उसके साथियों ने दिल्ली के कई वीआईपी इलाके की रेकी की। जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकी रिजवान को वॉन्टेड घोषित किया। रिजवान पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल का सबसे कुख्यात आतंकी था। पुणे पुलिस और एनआईए पुणे मॉड्यूल के कई आतंकियों को गिरफ्तार कर चुकी है। रिजवान लंबे समय से फरार चल रहा था और इन आतंकियों ने दिल्ली और मुंबई के कई वीवीआईपी इलाकों की रेकी भी की थी, ये जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही आतंकी घटना की फिराक में रिजवान था। रिजवान ने दिल्ली के वीआईपी इलाकों की रेकी की थी। शक है कि 15 अगस्त से पहले आतंकी घटना की फिराक में रिजवान था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार उसे किया है। दिल्ली पुलिस ने इस आतंकी को 2018 में भी हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद रिजवान को छोड़ दिया गया है। अक्टूबर 2023 में भी कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। रिजवान अली पुणे आईएसआईएस मॉडल के कुख्यात आतंकियों में से शामिल था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को उसके दरियागंज में होने की जानकारी इन्फॉर्मेशन मिली और इसी दौरान छापेमारी की गई, जिसमें आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया। मोस्ट वांटेड आतंकी पर 3 लाख का इनाम था। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में रिजवान का नाम था। दिल्ली पुलिस को रिजवान की तलाश काफी समय से थी, उस पर 3 लाख का इनाम भी घोषित किया गया। रिजवान पर दिल्ली में आईईडी बनाकर के टेस्टिंग करने का शक। पुणे मॉड्यूल में शामिल होने के बाद एजेंसियां तलाश में जुटी। रिजवान दिल्ली में लगातार छिप छिप करके रह रहा था। इंडिपेंडेंस डे पर दिल्ली में खास समारोह होता है, आप जानते हैं, और इससे ठीक पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आतंकी रिजवान अली को गिरफ्तार करने में सफल होती है। अब देखना होगा कि पूछताछ में उसने क्या कुछ जानकारी वो देता है। स्पेशल सेल के अधिकारी रिजवान अली से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। डीसीपी स्पेशल सेल प्रतीक्षा गोदारा ने बताया है कि कल रात 11 बजे दरियागंज निवासी रिजवान अली के बारे में गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद उसे गंगा बख्श मार्ग के पास से रात तकरीबन 11 बजे गिरफ्तार किया गया। अली के पास से 30 बोर की स्टार पिस्टल, 3 कारतूस और 2 मोबाइल भी बरामद हुए और इसके चलते स्पेशल सेल ने भी उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया। अली पर मुंबई और दिल्ली में यूएपीए विस्फोटक अधिनियम जैसे संगीन केस दर्ज हैं। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर के तैयारी शुरू हुई और इसी बीच दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट के आसपास मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के पोस्टर चस्पा किए।